गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये बैच यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम जो है मैथ का टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसकी पहली क्लास होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ये फर्स्ट टाइप होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको तीन टाइप से बताऊंगा। तो ये पहला टाइप होगा। सबसे पहले हमें वो कार्य देखना है कि कुल कार्य कितना है जिसको ए और बी 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो आप 10 और 15 का एलसीएम लीजिए जो कि 30 हो गया, यानी कुल कार्य हो गया 30 पेड़ लगाने का। अब हमको ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी पता करनी है कि एक दिन में कितना पेड़ लगा सकते हैं। तो आप 10 से जो भाग दीजिए 30 में, तो ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता एक दिन में 2 पेड़ लगाने की। इसी प्रकार ये दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो ए प्लस बी के कार्य को आप ऐड कर लीजिए जो कि 3 प्लस के 2 बराबर 5 हो गया, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे। उसी प्रकार पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो आप 30 में डिवाइड कर दीजिए 5 से, 30 डिवाइड बाई 5 और ये 6 बार भाग गया, यानी कि 6 दिन में ए और बी इस पूरे कार्य को कर सकते हो। वहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए सेकंड टाइप देखिए, ये शॉर्ट फॉर्मूला होगा, यानी कि ए इंटू बी अपॉन के ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 10 इंटू बी की वैल्यू 15 अपॉन के ए प्लस बी, इन 10 प्लस के 15 इंटू 10 करने पर 150 होगा और 150 में 10 प्लस के 15 25 से भाग देंगे तो ये 6 बार कैंसिल हुआ, यानी कि हमारा आंसर आया 6। एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और सीखिए। एक पूरे कार्य को 10 दिन में करता है तो ये एक दिन में कार्य का 1/10 भाग करेगा जबकि बी कार्य का 1/15 भाग करेगा एक दिन। तो ये हमारी एक फ्रैक्शन बन गई, ऊपर अंश और नीचे हर, हमने जो है हर का एलसीएम लिया जो कि 30 आया, 10 से भाग देंगे 3 बार, 15 से भाग दिया 2 बार, ये हुआ 5/30, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का 5/30 भाग कर पाए, जिसको कट करने के बाद ये हो गया आपका 1/6, यानी एक दिन में कार्य का 1/6 कार्य पूरा कर रहे हैं। उसी प्रकार पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कोई भी कार्य एक होता है इसलिए हम क्या करेंगे 1/1/6 और ये 6 तीसरी संख्या भैया ऊपर चली जाएगी तो 6/1 रहेगा और जो कि आंसर आ जाएगा आपका 6 डेज। ज्यादा नीचे ना हम
पूरे टॉपिक के लिए इस स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे, ये स्टेप सभी क्वेश्चन के लिए परफेक्ट रहेगा, इसलिए इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये पहला क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, और अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक बार देख लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो देखिए, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है बच्चा, 12 दिन में, और बी 18 दिन में करता है, तो ये कार्य कुल कितना है, सबसे पहले हमें यह देखना होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए इन दोनों नंबर का आप एलसीएम लेंगे, तो 12 और 18 का जो एलसीएम हुआ वो हुआ भैया 36, यानी कुल कार्य हमारा 36 पेड़ लगाने का। अब ए और बी की इफिशियंसी पता करेंगे, तो ए की इफिशियंसी है 3 पेड़ प्रतिदिन लगाने की, जबकि बी की इफिशियंसी 2 पेड़ प्रतिदिन लगाने की है। इस कार्य को ये दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए दोनों का एक दिन में मिलकर के कार्य कितना हुआ, 3 + 2 यानी कि 5 पेड़ ये एक दिन में लगा सकते हैं। इसी तरह से 36 पेड़ को लगाने में कितना समय लगेगा, तो 36/5 और 36 को भाग देंगे 5 से, तो ये 7 बार गया और 1 शेष रहा, तो 1/5 यानी कि 7 सही 1/5 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों ने कार्य एक साथ प्रारंभ किया और कार्य प्रारंभ करने के 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए जो है कार्य को 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो सबसे पहले हमारा कार्य है ये पता करिए कि कुल काम कितना है, जो कि दोनों नंबर का एलसीएम होगा, तो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा 60, यानी कुल कार्य हो गया भैया 60 पेड़ लगाने का। एक ही कार्य क्षमता 5 पेड़ प्रतिदिन है और बी की कार्य क्षमता भैया 4 पेड़ प्रतिदिन है। क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों ने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, दोनों कार्य को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं, तो देखिए एक साथ मिलकर ये कितने पेड़ लगाएंगे, यानी कि 5 और 4 मिलकर के 9, एक साथ एक दिन में 9 पेड़ लगाएंगे ये। एक मिनट, एक दिन में ये 9 पेड़ लगाएंगे, कार्य एक साथ प्रारंभ किया है और कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद ये छोड़कर जाता है, तो भैया ये जो 4 दिन बाद कार्य छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब 4 दिन तक तो उसने साफ कार्य किया है, जब ये एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, यानी कि 4 डेज ऑफ वर्क बाई ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य कितना हुआ, तो एक दिन में 9 पेड़ हुआ तो 4 दिन में उन्होंने कितने पेड़ लगा दिए, 9 × 4 यानी कि 36 पेड़ लगा दिए। हमारा टोटल कार्य था 60 पेड़ लगाने का, इसमें से 36 लगा दिए, तो देखिए माइनस कर दीजिए,
यहां से हमें शेष कार्य मिल जाएगा। तो भैया शेष कार्य कितना हुआ, 24 पेड़ लगाने का शेष कार्य हो गया, शेष कार्य 24 पेड़ लगाने का हो गया। अब देखिए कार्य छोड़ के कौन गया है, एक कार्य छोड़ के गया है तो बी शेष रह गया, और हमें पता है कि बी एक दिन में कितना कार्य करता है, यहां से पता कर लीजिए बी एक दिन में 4 कार्य लगा रहा है, तो उसी दर से ये शेष 24 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 24 में आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, यानी कि 6 दिन में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, रफ कर देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं, दोनों ने कार्य एक साथ प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन बाद बी कार्य छोड़ के जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा तथा पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। यहां दो चीजें पूछी गई हैं, शेष कार्य कितने दिन में होगा और पूरे कार्य में कितना समय लगा। तो देखिए ए करता 20 दिन में और बी कर रहा भैया 25 दिन में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जिसके बारे में बात होगी वो कार्य कितना है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों नंबर का एलसीएम हुआ भैया 100, यानी कुल कार्य है 100 पेड़ लगाने का, एक ही कार्य क्षमता 5 पेड़ प्रतिदिन, वहीं बी की कार्य क्षमता 4 पेड़ प्रतिदिन की है। देखिए दोनों ने कार्य एक साथ प्रारंभ किया और कार्य जो प्रारंभ करने के 10 दिन बाद बी जाता है, तो 10 दिन के बाद बी जा रहा है, इसका मतलब 10 दिन तक तो बी ने साथ काम किया है, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 5+4 यानी कि 9 पेड़, वहीं 10 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप इसमें 10 से मल्टीपल कर दीजिए और ये हो जाएगा 90, यानी कि इन्होंने 90 पेड़ 10 दिन में लगा दिए। अब यहां हमें देखना शेष कार्य कितना रह गया, तो हमारा कुल कार्य था 100, तो कुल कार्य में से जो कार्य हो गया है उसको माइनस कर दीजिए, तुम्हारा शेष कार्य आ गया 10 पेड़ का। अब जो शेष कार्य 10 रह गया है, अब कौन सा व्यक्ति इसमें से चला गया छोड़कर के, तो बी कार्य छोड़ के चला गया है, यानी कि ये बी वाला कार्य छोड़ के चला गया था, तो शेष 10 पेड़ को कौन लगाएगा, ए लगाएगा, और ए जो है एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो 10 पेड़ को लगाने में उसको कितना समय लगेगा, तो 10/5 यानी कि 2 दिन में शेष कार्य हो जाएगा। वहीं इसी में दूसरा क्वेश्चन ये कहा है, बताइए पूरा कार्य होने में कितना कितने दिन लगे, तो देखिए 10 दिन तो उन्होंने यहां लिए और शेष कार्य में 2 दिन यहां हुए, तो इस प्रकार से पूरे कार्य में जो समय लगा वो 10+2 यानी कि 12 दिन में पूरा कार्य खत्म होगा, जबकि शेष कार्य 2 दिन में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन 3 को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 20 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया एवं कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, यानी कि जैसे ही कार्य खत्म होने वाला होता है उसके 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो कार्य पूरा होने में
कितने दिन लगेंगे? तो देखिए ए कितने दिन में करता भैया, 12 दिन में कर रहा है, वही बी 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल कार्य देखना है कि कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 12 और 20 का एलसीएम। ये कितना हो भैया, ये हुआ 60, यानी हमारा कुल कार्य हो गया 60 पेड़ लगाने का। ए की कार्य क्षमता 5 पेड़ पर डे, बी की कार्य क्षमता 3 पेड़ पर डे। अब देखिए दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया है, तो मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ये दोनों के कार्य को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8 पेड़ प्रतिदिन लगाएंगे। अब यहां उसने क्या बोला है कि कार्य जैसे ही खत्म होने वाला था उसके 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है, यानी कि हमें भैया यहां जो है ए से ये कार्य जो 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ये जबरदस्ती कराना है, या बी उससे कहेगा कि भाई तू ये छोड़ के मत जा और इस कार्य में मैं तेरी हेल्प करूंगा, इसलिए उससे ये कार्य हमें जबरदस्ती कराना है। तो देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना है, 5 पेड़ लगाने का है, और वही ये अपने हिस्से के 4 दिन का काम छोड़ के जा रहा है। तो ए देखिए 4 दिन में कितना काम करेगा, यानी 5 × 4, यानी अपने हिस्से की 20 पेड़ छोड़ करके जा रहा है। तो ये 20 पेड़ हमें इससे जबरदस्ती लगाने हैं, इसीलिए इनको 20 को हम यहां ऐड करेंगे, तो हमारा कुल कार्य हो जाएगा 60 प्लस के 20, यानी कि 80 पेड़ लगाने का, 80 पेड़ लगाने का। अब बी ने क्या कहा था कि मैं तेरी हेल्प करूंगा लेकिन तू कार्य छोड़ के मत जा, तो इस बात पर ए एग्री हुआ और इस प्रकार से हमारा टोटल कार्य 80 हुआ, और 80 पेड़ को ये 8 पेड़ प्रतिदिन की दर से लगाएंगे। तो देखिए बच्चे कितना समय लगेगा, 80/8 यानी कि 10 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डिफरेंस क्या था, यहां कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन बाद जा रहा है, और जबकि इस क्वेश्चन में जैसे कार्य खत्म होने को था, कार्य खत्म होने को था उसके जस्ट 4 दिन पहले जा रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, इसको जरा ध्यान से समझना है। वही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को करने का और एक आसान तरीका बताता हूं, जो देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरा टाइप है, बड़ा आसान है। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a इंटू बी अपॉन के a प्लस बी, तो थोड़ा सा इसी में इंक्रीज करना है। इसमें से जो व्यक्ति जितने दिन कार्य छोड़ के जा रहा है उसको आप दिनों की संख्या को n मानिए, और जो व्यक्ति छोड़ करके जा रहा है उसके साथ में बस n प्लस कर दीजिए, और ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। देखिए इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से होगा, तो a की वैल्यू कितनी है, 12, और a कितने दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है भैया, 4 दिन पहले, तो उसके साथ में 4 प्लस कर दिया इनटू b की वैल्यू भैया 20 है अपॉन a प्लस b, यानी 12 प्लस के 20। तो देखिए 12 और 4 16 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना हो गया, 12 और 20 32 हुआ। तो देखिए 16 से 32 दो बार कैंसिल, और इस 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 बार कैंसिल, यानी इस प्रकार से भी हमारा आंसर 10 दिन आया, और पहले टाइप से भी आंसर हमारा 10 दिन आया था। तो ये और आसान तरीका है इसका, लेकिन आप दोनों तरीके सीखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया एवं कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए
यही फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 10, कार छोड़ती कौन जा रहा भैया, एवं कार खत्म होने से 6 दिन पहले ए जाता है, तो इसका मतलब 15 प्लस के 6 इंटू बी की वैल्यू 20 अपॉन 15 प्लस के 20 यानी ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया 21, 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 15 और 20 कितना हो गया 35 होगा। तो देखिए सॉल्व करिए, 7 से ये 3 बार और 7 से ये 5 बार कैंसिल, 5 से इसको भाग देंगे 4 बार और 4 इंटू के 3 12, यानी कि इसी प्रकार ये कार्य 12 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये दो क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एवं क्वेश्चन नंबर 8, तो इनको एक बार हमें ऊपर लिखना होगा, यहां ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए तो ऊपर से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए इस कार्य को 20 दिन में पूरा करे तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि ए इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो बी इस कार्य को अकेला 20 दिन में पूरा करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि ए करता है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करते भैया, 12 दिन में। वहीं ए इस कार्य को अकेला 20 दिन में पूरा करता है, एक दिन में करता भैया 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस कार्य की बात हो रही है वो देखना है कुल कार्य कितना है, तो 12 और 20 का एलसीएम लेके कुल कार्य पता करेंगे। तो ये 12 और 20 का एलसीएम हुआ आपका 60, और हमारा कुल कार्य हो गया भैया 60 पेट लगाने का। तो ए और बी टोटल 60 पेट को 12 दिन में लगा रहे थे, तो ये एक दिन में कितने पेट लगाएंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 12 पांच 60, 5 पेट दोनों मिलकर के लगाएंगे। वहीं ए जो अकेला एक दिन में 3 पेट लगाएगा, ए और बी दोनों 5 लगा रहे हैं, ए अकेला 3 लगा रहा है एक दिन में, तो अगर हमको बी का पता करना है कि बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो दोनों के कार्य में से एक का कार्य माइनस कर दीजिए, 5 माइनस के 3, इस प्रकार बी जो है एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, हमने बी की कार्य क्षमता ज्ञात कर ली। अब पूछा है कि बी इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये कुल कार्य था 60 पेड़ लगाने का, और इन 60 पेड़ को बी जो है 2 पेड़ पर डे की दिन से पर डे की दर से लगाने में कितना समय लगेगा, तो आप 60 से भाग दे दीजिए, 60 में भाग दे 2 से,
तो 30 दिन में बीज जो है पूरे कार्य को कर देगा और यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, यदि बी इस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। देखिए भैया, ए और बी कितने दिन में करना है, ए और बी किसी कार्य को, किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी इस कार्य को 60 दिन में करता है, जबकि बी इसे 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है, तो ए इस कार्य को, इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है भैया, तो देखिए ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी 24, जबकि बी अकेला इस कार्य को 60 दिन में करता है, तो बी 60 दिन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कुल कार्य देखना है कि हमारा कुल कार्य कितना था, तो 24 और 60 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम हुआ आपका 120, तो हमारा कुल कार्य हो गया भैया 120 पेड़ लगाने का। अब इन 120 पेड़ को ए और बी 24 दिन में लगाते थे, तो हमें पता करना है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 24 से भाग दे दीजिए जो कि 5 बार गया, तो ए और बी एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे, वहीं बी की एफिशिएंसी देखिए 60 से भाग दीजिए 120 में, तो ये 2 आया। अब हमने देखा कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो यहां से आप ए कितने पेड़ लगाएगा ये पता कर लीजिए, यानी कि दोनों के कार्य में से बी का कार्य माइनस कर दो जो कि 3 आया, यानी बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, और इसी तरह से टोटल 120 पेड़ को लगाने में बी कितना समय लेगा, सॉरी बी 60 दिन में करता है, तो ए कितना समय लेगा, ए के लिए पूछा है कोई नहीं, तो आप 120 में और भैया 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो ये आएगा आपका 40, यानी कि ए इस कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। और भैया आज की क्लास यहीं तक होगी, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। दूसरी विधि तक करके बताओ है, ठीक है, 8वें क्वेश्चन है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ओके, करो करो दूसरी विधि से खत्म मत करो, दूसरी विधि से हाँ दूसरी तय है।